नगर थाना पुलिस ने 8 गौवंश को मुक्त करवाकर एक गाड़ी 407 को किया जब्त। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने देर रात गौरक्षा दल सदस्यों के सहयोग से गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 गौवंश को मुक्त कराकर एक गाड़ी को जब्त किया है। थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर एक टाटा 407 गाड़ी में गौवंश को भरकर नगर की तरफ ले जा रहे थे, तभी नगर थाना पुलिस ने आरसी किराए पर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही गौ तस्कर गाड़ी को लेकर नाकाबंदी पर पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया, लेकिन गौ तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भागने में सफल हो गए। तभी पुलिसकर्मियों और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 6 किलोमीटर तक गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा किया, उसके बाद गौ तस्करों ने अपने आप को चारों ओर से घिरा समझकर गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस द्वारा पकड़े गए गौवंश को गौशाला भिजवाया गया। नगर थाना पुलिस द्वारा गाड़ी के नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भरतपुर से अमित यादव की रिपोर्ट।